नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आज के इस वीडियो में सीखेंगे धुआं आईपी कैमरे को कैसे एक्टिवेट करते हैं अपने कंप्यूटर या पीसी से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हम आप आ गए हैं अपने कंप्यूटर पे और हमने आईपी फाइंडर ओपन कर लिया है। यस करेंगे यहाँ पे और हम नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं। लाइन लगा के आईपी असाइन कर दिया है 1 की सीरीज में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि आईपी कैसे असाइन करते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी आईपी शो कर जाती है, चाहे धुआं की हो चाहे ईसीपी प्लस की हो। तो हमने आईपी पहले से असाइन कर रखा है। यहाँ पे ई पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होगा और अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। और अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप आई टैब का यूज करते हैं तो आप कैसे उसमें आसानी से DBR या NBR को लॉगिन कर सकते हैं बिना AXE फाइल की, प्लगइन्स नहीं मांगता उसमें। तो यहाँ प्लगइन्स पे क्लिक कर लेंगे, तो रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल को रन कराना है और तभी प्लगइन्स डाउनलोड होकर इंस्टॉल होंगी। जब इंस्टॉल हो जाएंगी तो यहाँ पे बॉक्सेस बन के आ जाएंगे, अभी बॉक्सेस बन के नहीं आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे प्लगइन्स डाउनलोड हो रही है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा था, अब अपडेट हो गया है विंडोज की वजह से। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एज आया है। अब एज पे अगर आपको DVR या NVR को लॉगिन करना है तो आप आई टैब का यूज करेंगे। यहाँ पे रन पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हुआ है, कंट्रोल नेम इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आप फिर से रन पे क्लिक करेंगे, सिस्टम थोड़ा स्लो है, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रन ऐड ऑन कर लेंगे, फिर रन कराएंगे यहाँ पे। फिर से पासवर्ड डालेंगे और ऊपर फिर पॉपअप मैसेज आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम, पासवर्ड एरर दे रहा है। फिर से लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहां पे राइट क्लिक करेंगे, रन ऐड ऑन कर लेंगे, फिर से रन कराएंगे। आप वेबसाइट कर सकते हैं, नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और फिर से लॉगिन करेंगे। अगर आप आई टाइप से इसको लॉगिन करते तो ये इश्यू नहीं आता। फिर से लॉगिन जब क्लिक करेंगे, लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बॉक्सेस बन के आ गए। सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डिवाइस सर्च पे, तो हमारे दो कैमरे हमने ईपी प्लस के आईपी फाइंडर से एक्टिवेट कर रखा था, तीसरा कैमरा हम NVR से एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो सेलेक्ट किया कैमरा को, एनेटाइज पे क्लिक किया, टिक लगा रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये बता रहा है कि जो पासवर्ड हमारा NVR का है और जो ईमेल डाला है एनेटाइज करते समय वही ले लेगा कैमरे में। हमने कहा ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जिस सीरीज में चाहे आईपी रख सकते हैं, तो 1 की सीरीज में हम रखना चाह रहे हैं, लास्ट में 103 कर दे रहे हैं और नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे नेटाइज सक्सेस, आईपी भी चेंज हो गई है सक्सेस, ओके कर देंगे। तो आईपी भी चेंज हो गई और हमारा ये कैमरा एक्टिवेट हो गया। और हम डिवाइस सर्च पे फिर से क्लिक करेंगे, तो हमारे जो कैमरे हैं तीनों आ चुके हैं, 101, 102, 103, इनको हम सिलेक्ट करेंगे, सेम पासवर्ड है, और ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 102, 103, 101, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेटस ग्रीन हो गया है। और हम प्रीव्यू पे जाएंगे तो यहाँ कैमरे तीनों आ चुके हैं, फिर क्लिक करेंगे कैमरे को तो चल जाएगा, नहीं ओपन ऑल करेंगे तो तीनों कैमरे हमारे चल चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।